इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफल रहा। लॉन्चिंग से लेकर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग तक और उसके बाद लैंडर रोवर की सभी गतिविधियों से जुड़ी अपडेट भारतीय स्पेस एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी। इसी साल 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान 3 के तहत चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारा गया। इसी के साथ भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला और चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 के सीक्वल यानी अपने अगले लूनर प्रोजेक्ट चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट गया है। अब सवाल ये है कि चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद चांद की सतह पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 को सफल बनाने की कोशिश की गई, जो कि पूरी भी हुई। ऐसे में अब चंद्रयान 4 की क्या जरूरत है? चंद्रयान 4 की जरूरत क्या है? दरअसल इस मून मिशन का मकसद चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल्स लाना है। पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के 62वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने मिशन चंद्रयान 4 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मिशन में चंद्रमा की सतह से मिट्टी का एक सैंपल वापस लाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस मिशन के तहत स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग चंद्रयान 3 की तरह ही होगी। नीलेश देसाई ने कहा कि इसका सेंट्रल मॉड्यूल चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले ऑर्बिटिंग मॉड्यूल के साथ उतरने के बाद वापस आ जाएगा। आगे की डिटेल देते हुए कहा कि ये बाद में अर्थ एटमॉस्फेयर के पास अलग हो जाएगा और री एंट्री मॉड्यूल चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लेकर वापस आ जाएगा। बताया जा रहा है कि चंद्रमा की मिट्टी और रॉक सैंपल्स लेकर आएगा। नीलेश देसाई ने इस महत्वाकांक्षी मिशन की जानकारी देते हुए ये भी कहा कि उम्मीद है अगले 5 से 7 साल में चंद्रमा की सतह से सैंपल लाया जा सकेगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग होगा। मिशन से जुड़ी और भी जरूरी बातें जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक जहां चंद्रयान 3 में लगा रोवर महज 30 किलो का था, वहीं चंद्रयान 4 का रोवर 350 किलो का होगा, यानी काफी वजनी। ऐसे में चांद की सतह पर इसे उतारना मुश्किल टास्क होगा। वैज्ञानिक सटीक लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे, हालांकि किस जगह लैंडिंग कराई जाएगी ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। इसके अलावा इस रोवर का एक्सप्लोरेशन एरिया चंद्रयान 3 के मुकाबले काफी बड़ा होगा। इस मिशन के लिए 2 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन में लॉन्चिंग के बाद 2 महत्वपूर्ण पड़ाव आएंगे, लैंडर मॉड्यूल और ऑर्बिटिंग मॉड्यूल की डॉकिंग और उसके बाद सेंट्रल मॉड्यूल का सैंपल के साथ पृथ्वी पर वापस लौटना। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत का कद स्पेस सेक्टर में पहले से काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।